इनके हर हरकत का जेरम हो, राजनांदगांव के हमारे शहीद एसपी और उनके साथ हमारे जवान जो यंग लड़के थे उनकी शहादत हुई है, क्रूरता की पराकाष्ठा है, मानवता को शर्मनाक करने वाला है। और तथा कथित जो मानवाधिकार संगठन के संरक्षक दिल्ली में बन के बैठते हैं और इनकी तरफदारी के लिए जुलूस निकालते हैं, रैली निकालते हैं, उनको ये वीडियो दिखाना चाहिए कि क्या है इनकी नीति, क्या है इनके कर्म और किस प्रकार से ये निहत्थे जवान जो सिर्फ सर्च में निकल रहते हैं उनको गोलियों से भून दे और उसके बाद अट्ठास लगाते हैं, हंसी करते हैं, उनके शव को पैर से कुचलते हैं। मगर आज बड़ी सफलता मिली है, रात में 4 अच्छे नक्सलियों को मार गिराया है और 8 वीपन्स 303 और बड़े वीपन्स और बहुत बड़े सामान, तो 415 कल की घटना में 5 नक्सलियों को मारने में पुलिस ने सफलता मिली। तो छत्तीसगढ़ के जवान बहादुरी के साथ इसका मोर्चा ले रहे हैं और हर तरफ सभी जिलों में सघन सर्चिंग चली। बारिश में अभी तक ये अभियान नहीं चलता था, पूरी रात रात चलते हैं। 2 दिन पहले अभियान में निकले थे, टारगेट में गए और टारगेट में मारे। अब चिन्हित नक्सलियों को चिन्हित स्थान में जाके रात भर 2 रात घूम के मारने की क्षमता छत्तीसगढ़ पुलिस की, सीआरपीएफ की और हमारे कोबरा बटालियन की और एसटीएफ की बन गई है कि अब वो अंदर तक जा रहे हैं। और ये हौसला दिखाता है कि छत्तीसगढ़ की पुलिस का, जवानों का मनोबल कितना ऊंचा है। जो जंगल में घुसने में डर होता था, आज ये है कि हम उनको दौड़ा के मार रहे हैं, उनके जगह में, उनके सेंटर में जाके मार रहे हैं। ये अभूतपूर्व परिवर्तन आया है।